नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर रोहित शेट्टी का शो खतरों के खिलाड़ी 12 टीवी पर प्रीमियर होने के लिए तैयार है। शो 2 जुलाई से टीवी पर आएगा, जिसके लिए फैंस भी खूब एक्साइटेड हैं। खतरों के खिलाड़ी 12 की शूटिंग इन दिनों केप टाउन में चल रही, जिसके लिए रुबीना दिलैक, शिवांगी जोशी, स्वीति झा, राजीव अदातिया, फैजल शेख, जन्नत जुबैर, मोहित मलिक और तमाम कंटेस्टेंट्स वहां मौजूद। लेकिन हाल ही में खतरों के खिलाड़ी 12 से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। दरअसल शो के फैन पेज ये दावा कर रहे हैं कि एक्ट्रेस शिवांगी जोशी शो से बाहर हो गई। खतरों के खिलाड़ी 12 के फैन पेज के मुताबिक शो से जुड़े सोर्सेस का कहना है कि शिवांगी जोशी तीसरे वीक में शो से बाहर हो गई। हालांकि फैन पेज ये भी दावा कर रहे हैं कि वो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर दोबारा आ सकती हैं। फैन पेज का कहना है कि खतरों के खिलाड़ी में हर बार वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शो से बाहर हो चुके सितारे ही होते हैं। ऐसे में शिवांगी जोशी के वापस आने की उम्मीद भी बनी हुई। खतरों के खिलाड़ी 12 से बाहर होने की खबरों पर फैंस ने भी नाराजगी जताई। जहां कुछ फैंस ने इसे झूठी खबर बताया, तो वहीं कुछ ने शिवांगी जोशी का सपोर्ट करते हुए लिखा, ये सही नहीं है क्योंकि शिवांगी बहुत अच्छी प्लेयर है और हमारी शेरनी ऐसे जाने वाली नहीं। बता दें कि कुछ वक्त पहले खतरों के खिलाड़ी 12 को लेकर ये बताया गया था कि शिवांगी जोशी, जन्नत जुबैर, रुबीना दिलैक, मिस्टर फैजू और मुनव्वर फारूकी को मिनिमम गारंटी मिली, जिसके तहत 6 हफ्ते तक ये सितारे शो से बाहर नहीं होंगे। वहीं शिवांगी जोशी से पहले एरिका पैकर्ड ने रोहित शेट्टी के शो को अलविदा कहा था और अब शिवांगी के जाने से फैंस को बड़ा झटका लगा। बता दें कि इस शो के लिए शिवांगी को पर डे 10 से 15 लाख रुपए मिल रहे थे, लेकिन उनके शो से आउट होने पर फैंस दुखी हो गए। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि शिवांगी जोशी की एंट्री एज अ वाइल्ड कार्ड होगी या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और टीवी से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।